इच्छाधारी नागिन, शेष नागिन का किरदार निभा रही एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि अपने लवी डवी बॉन्ड वो करण कुंद्रा के साथ लगातार शेयर कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच यहां हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको ये बताना चाहेंगे, तेजस्वी प्रकाश के फैंस को ये जानकर काफी बड़ा झटका लगेगा कि उनकी फिल्मी लाइफस्टाइल, जो फिल्मी लव स्टोरी है, वो पूरी तरह से अभी कंफर्म नहीं हुई। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू नाइन न्यूज और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज का ये स्पेशल खास एपिसोड, जहां हम बॉलीवुड नहीं टीवी टाउन की एक्ट्रेस तेजस्वी की बात करेंगे। टीवी शो खतरों के खिलाड़ी से लेकर बिग बॉस का खिताब जीतने तक तेजस्वी प्रकाश अपने आप में आज बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग एक्ट्रेस है, जिन्होंने शुरुआत की अपने करियर की सुरागनी से, बाद में पहरेदार पिया की रिश्तों का सौदागर, इसके अलावा वो नजर आए सिलसिला बदलते रिश्तों का जैसे शो में, और अब वो नागिन में इच्छाधारी नागिन का किरदार निभा रही। उनकी करण कुंद्रा के साथ लव स्टोरी वाकई में शादी में कब बदलेगी, लोग जानना चाहते हैं। तो फैंस को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि करण कुंद्रा की मॉम ने कहा है सासू माँ इस वक्त तेजस्वी प्रकाश का कहलाना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। जी हाँ, तेजस्वी ने ये भी कहा है कि वो फिलहाल अपने और करण के साथ अपने रिश्ते को लेकर वक्त देना चाहती है। उन्होंने कहा सुनीता कुंद्रा के बारे में, उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस करती है वो हर चीज को, लेकिन इस वक्त मैं उनको सासू मां नहीं कहना चाहूंगी, यानी कि अभी तक शादी को लेकर उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो आज तेजस्वी प्रकाश को लेकर आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको बताया है, और फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का, लेकिन ऐसे ही टीवी टाउन की खबरें भी हम लेकर आएंगे नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। जुड़े रहें बाकी की अपडेट्स के लिए चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।